नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टडी करंट आई द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन सवाल है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डैश एंड बी मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंस ए बाय टू एंड टू ए रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वायर कितना होगा बताना है हमें ऑप्शन है वन इज टू वन फोर इज टू वन वन एज टू फोर या फिर वन बाय टू अगेन सिंपल सवाल है बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए सो so, हम यहाँ पे ये यह बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए आपकी कोई वायर ये आपकी कोई वायर है और इस वायर में आपका स्टडी करंट आई इस प्रकार ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपको दो जगह मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एक जगह पॉइंट है जिसको आपने कहा ए बाई टू दूसरा ये पॉइंट है जिसको आपने कहा टू ए यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा है बी बी और ये वाली कहा हमने बी डैश तो हमें बताना है इन दोनों का रेशो क्या होगा बी डिवाइडेड बाई बी डैश इन दोनों का रेशो क्या होगा अगेन सिंपल सवाल है ये बात अपने को पता है ग्राफ है इसको हमने कई बार क्लास में डिराइव किया हुआ है मैं ग्राफ एक बार फिर बताता हूँ और फॉर्मूला पे भी बात करेंगे तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये अगर यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन ऐसे वैरी करता है उसके बाद आपका हाइपरबोलिक बी ऐसे वैरी करता है सो ये आपका बी वर्सेज स्मॉल आर का डिस्टेंस है यहाँ जो बी है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट जे आ, आर बाय टू और यहाँ जो बी है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर Uh, जे आपकी यहाँ पे करंट डेंसिटी है उसको अगर हम चाहें करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई करंट हो गया और पाई आर स्क्वायर उसका एरिया uh, हो गया सो so, ये आपकी करंट डेंसिटी अलग ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू एक बार uh, I बाई टू रखनी है एक बार टू ए रख देनी है आपका आंसर आ जाएगा अलग सो so, यहाँ पे B अगर हम लिखेंगे तो B की जो वैल्यू होएगी वो होएगी म्यू नॉट आई आर की जगह आपने रखा A डिवाइडिड बाई टू बाई टू नीचे लिख लेते हैं सीधा और डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर लाइक पाई आर स्क्वायर सो ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई A डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर बी डैश जो है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखे uh, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको लिख लेते हैं हम ये हो जाएगा आपका म्यू नोट आई बाई टू पाए मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह हमने लिख दिया टू ए, सो इसकी वैल्यू आ गई नोट आए डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर बाई चांस इस केस में बी डिवाइडेड बाई बी डैश जो है जो हमने सवाल दिया हुआ है दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन एस टू वन आ गया सो इसका मतलब ये है कि आपका इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर